कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में तीन दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद अब बरामद हुआ है। हमजा राशिद मजीद बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं हमजा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल इत्तेहाद टाउन पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ था, और इस तबादले के बाद जो है तीन दहशतगर्दों को जो है जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही जो है तीनों दहशतगर्द जो है दम तोड़ गए हैं, और इस वक्त तीनों दहशतगर्दों की लाशों को जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कार्रवाई जो है एवीसीसी की जानिब से की गई है, और हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है कलदम जमात से है। एसएसपी जो है एवीसीसी है उनकी जानिब से बताया गया, और मुलजमान से जो है दो खुदगश जैकेट और असलहा बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ जो है मुकाबले के बाद जो है डीडी का जो अमला है उसको सर्चिंग के लिए तलब कर लिया गया है, और जो पुलिस है वो जो इतराफ के इलाके हैं जहां पर दहशतगर्दों के साथ जो कलदम तंजीम के जो कारकुन थे उनसे जो मुकाबला हुआ है उसके इतराफ के इलाकों में इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है, ताकि जो दीगर जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे जो पुलिस को इत्तला थी उसके मुताबिक जो वहां पर मौजूद अफराद हैं उनको चेक किया जा रहा है, और इस वक्त जो है इतराफ के इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।